जितने बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता, या तो अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी मुसलमान से किए हैं, तो डीएनए तो अब मिलेगा। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, प्रदेश में सियासी हलचलों के साथ नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम को लेकर दिए गए बयान के बाद अब सभी सियासी दलों में खलबली मच गई है। इसी बीच भारतीय सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हिंदू मुस्लिम पर विवादित बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिए बयान की हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है पर बोलते हुए राजभर ने कहा, मोहन भागवत जी इस बयान को क्यों कहे हैं? जितने बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता, या तो अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी मुसलमान से किए हैं, तो डीएनए तो अब मिलेगा। लेकिन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित को भकाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में लड़ा करके वोट की बात की जाती है, ये बात अब आम जनता समझ गई है। राजभर ने बीजेपी को लूटमार कंपनी बताते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव में 50 से अधिक सीट नहीं जीत सकती है। कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए सोमवार को वाराणसी पहुंचे राजभर ने एक सवाल के जवाब में बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, देखिए देश में दो तरह की व्यवस्था है। उत्तर भारत में बीजेपी के लोग गोकसी की बात करते हैं, यही बीजेपी के लोग जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो इनकी जबान बंद हो जाती है। एक तरफ बीजेपी के नेता समाज को लड़ाने की बात करते हैं, दंगा कराते हैं, मार कराते हैं। बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सभी मुसलमानों के यहाँ उनके बेटों से शादी की है, अब तो डीएनए मिलेगा ही, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तब होगी जब जैसे अभी चला रहे हैं ना, एक योगी जी का चल रहा है ना धर्मांतरण वाला कानून, क्या ये कानून प्रवीण तोगड़िया को लागू होगा, मुरली मनोहर जोशी को लागू होगा, आडवाणी को लागू होगा? वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजभर ने गोमती रिवर फ्रंट मामले में हुई छापेमारी के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास है क्या? भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी तक भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन अब बीजेपी है, मतलब भारतीय जुमला पार्टी, जिस पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है। राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, आरबीआई का गवर्नर गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, कॉरपोरेट घराना भी गुजराती, बड़े बड़े ठेका पट्टा करने वाले गुजराती, देश बेचने वाले गुजराती और देश खरीदने वाले भी गुजराती, यह है भारतीय जुमला पार्टी। भागीदारी संकल्प मोर्चा के संस्थापक और सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भगवान राम के नाम पर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की हो गई और 20 लाख की जमीन 8 करोड़ की हो गई, ये भगवान के नाम पर भी लूट कर रही है। चुनाव और कार्यालयों के निर्माण के लिए बीजेपी लूट मार एंड कंपनी बन गई है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने अपना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों और सभी अफसरों के नार्को टेस्ट की मांग की। इसके साथ ही राजभर ने यह भी कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव भाजपा की जीत पर कहा कि गुंडई, तानाशाही, अफसरों की मिलीभगत से भाजपा जीती है, पर विधानसभा चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।